तिमीहरू यो कैसी भाउ मान त पाडोसिनको छोरासँग आयो काई भी को ल्याएर दे खुदी खुद खाली मेरो त जीव ची टोकडी काई करू जो गुडो पावन जो म त बडबड छुटी इसे डिब्बा त म दस दस खाऊ है रस रसी रसगुल्ला तो बीत गा और रस रसी बचे यहाँ तो पी लू अरे भाई जुआनी में तो मैंने बहुत माल खायो बहुत सट्टा कर अपना बुढ़ापा में खासुआ अरे अब खाऊंगी मेरा बट मैं ये बहु सी आगे काला माता की खाई भी को खावा दी मोए चलो जी जी को रोटी दिया नहीं तो पुकारेगी वो 24 घंटा बस माथा खराब करती रहे भूख लग रही है भूख लग रही है जी मैं डाल दूं ले रे जी जी रोटी खा लो अरे बहु शर्म को नहीं कि जा कांदा सु रोटी खाया खाऊंगी मैं कांदा सु तो मैंने जवानी में रोटी को खाई जब आप बुढ़ापा में वो सु कांदा फूटा क्या बुढ़ापा में डाल दांत है अरिता जी जी रोटी और प्याज में काई बुराई है सब्जी ना ये तो हमने भी प्याज सुई खाई है थम खा लेंगे जब काई हो जाएगा बैगन अरे तय कर रहा कोई था रोटी इनको मैं तो भूखी रह जाऊंगा अरिता जी जी भूखी काई ले बरे हैं भूखी इन सुखाई हो है बीमारी मारो जाऊंगी तो और लथा मैं तो भूखी रह लूंगा वो रोटी खुआ तो कछु मीठो छूटो जा कहीं साग भाजी साग वाग बना लिया यही कहीं खाऊ कांदा सु अरिता जी जी रोटी में काई का नखरा लगा हुई अनपन में सोया आखिर में नहीं खाई तो मत खाओ थर ना हो नोरा सा और खाता डोलो रोटी की रोटी ना खावे बुझो बुढ़ापा आ रहा है ना जुया नाती जा रही है दमो रसगुल्ला मिल रहे हैं तो क्यों खाऊंगी मैं रोटी ये डेगची को जैसी तो डर रही है उतारो चल घाम भी शवार पड़ रही गर्मी तो कपड़ा भी नहीं उतर रखें गर्मी वाला सारा जी जी कैसे सो रही है अरे कैसे सो रही है जी अरे बेटा डंसु दाब या गोड़ा ही तो टूटा पड़े हैं अरे काय हो गो तेरे गोडान में तेरे अरे ये गोडा चिकना चौपड़ तो था कौन है अरे तो खूब चिकना चौपड़ खुद ही तो करे तू खुद ही खा रही और कहीं खाएगी अरे बउआ यार बर्बाद में काय भी था यार ना बेटा वो डॉक्टर ने हलो बताए थोड़ा सा हलो बना दीजिए हलवा की दिखी है जी डॉक्टर ने ए ठीक है तो मैं अभी बना लिया बना देगी ए चल चल हलो बना राम आ जाओगो जो सुन ना वो जंगल सही है जो बना लिया ये बा अब आओगो मजो अब छोटी वाली बहू खाए ठीक है डोंग भरे और अब दमा दमा लो खाऊंगो बैगन ले दीजिए हलवो और केला खा लियो थोड़ी ताकत आ जाएगी था मेरे शरीर में ठीक है और बता दीजिए है ना मैं जाऊं आहो आवाज लगा दीजिए अरे बेटी मेरी इसी सेवा करे जा तू मौज पावेगी तो राम जी भलो करोगे तेरो अरे जीजी आपको तो उठा दे था मैं क्यों खा रही कभी मिला ना जाए खा रही था हम तो क्या राम को छिलका उठा मुख पटक दे ठा रही मैं सब खा लूंगा तू जा बहुत लगा जैसे भूखी मर रही दिखे बंद ना दे तुम कोई खावे यह बहुत तो सही है वो बहुत तो रोटी ने भी ऐटी लगी अब तक भी आई कौन तो भूखी मर रही है बासी मर रही है भरगो पेट मेरा तो ना बजाऊंगी अभी कपड़ा डाली सूखा बिना है कल का कहीं खा पी तो लेती ईशाई बैठ जाएगी का गुड़िया बना रे कहीं काम भी लाए लगवा ले करे दुनिया की सासु देखे ना किसे सा काम बताओ भवन का लाल लार सारा दिन करती डोली और तू तो सारा दिन या खाट कोई को छोड़े बस नाले धोले खाट में पड़ी रहे सारा दिन तो मैं जुगे चूरवे बना ला आज अपना जैसे गोडान में दम हो जाओ आधी तो थम काम तो भी तो करवा करो बैस डोरा ने भी संगवा करो जब ही तो घी दूध होएगा अपने
बिना खाया पिया का काम हो के का तू चिकन चौपन खाऊंगा तभी तो चलूंगा मैं। अरे तो डोकरी थम पे ईशा करे जिसे मैं को कुछ पता ना रहे बस वो पड़ोसन नु खरी तेरी सासू तो हर महीना ही 1 किलो तो रसगुल्ला मंगाया अब की बार तो पिछली बार बर्फी काड़ा खंड मंगाई बताई तो शर्म को ना आया तो है ना ईशा चिटो करो पड़ो करती डोले। अरे राम राम ओ भगवान धरती आसमान एक हो जाऊं ये पड़ोसन शोक ने तो सुख दिख दी मन तो आप तक भी कौन मंगाया कोई सुबह तू मेरा क्यों आप लगाए तो यू बता डॉक्टर तेरी पेंसिल का रिकन जामी खाई फिर अब तो छोरा ने तू मेरा क्या आप लगाओ तू ना कितने खुआ दियो मुझको आप तक है अब तो तू ऐप्पा ही भरेगी डॉक्टर तुम तो फैला सुखाए जो तेरे तो जीव लबड़ का मारे ऐ तने यार दिए मुझको मोगन तो कदे जुआन पनामे तो काय भी को खायो मेरा ना बुढ़ापा में मत खुआ मुझे। अरे अब बड़ी बहुत तो बहुत तेज है छोटी यार तो मेरे सीधी पड़े ऐसे पाड़ो सुन कह दी सारी बात ने ठीक है सासु ने रसगुल्ला गन को डिब्बो मंगाई सर जाओ मैं घर को छोड़ रही कोई तो मोक डाटा को पड़ोसी काड़ोसी कोई तो जाऊ मैं घर छोड़ रही कपड़ा को बांध दे जाऊ कोई तो मोह रोक को जूठे जो सोर अच्छी सात राखी मैं जो सी बहु बेटा मेरी अभी सुखा नेड़ो अरे जीजी तू खा जा रही है अरे ये तो रुकता सही अरे बता तो सही शक यार रूस रही है काई बात होगी अरे तो काई खेती तो सुन इन्हें जो मामान के जाएगी अरे तो जीजी मोको बता तो सही जो तू ये कपड़ा लगता बांदर जा रही है दो रोटी दे तेरी बहुत दो रोटी भी ढंग से कौन दे सिरा मांगो टूक भी खोगी था मैं तो भूखी ही रहूं। अरे जीजी तू इसे जाएगी ना रूसर तो ये गांव का हम पैसिंगा किन सुझा के एक डोकरी ना संभाल रही या को भी रोटी टाइम सुना देवी अब तू बता तो सही तो को काई दिक्कत है। अरे जीजी तू बता या बुढ़ापा में रूस की अच्छी लगेगी कि तू अरे तो भाया मैं तो को जाऊंगी पर तो पता कौन की बुढ़ापा में एक पाव काम करता बंद होगा वो 5-1 किलो का लाडू बांध दीजियो। अरे जीजी तू 5 किलो का खाई तेरे तो 5.5 किलो का बांध दूंगा पर तू इसे रूसर तो मत जाए क्यों मेरी बिल्कुल ये नाक कटुआ बाबे तुल रही है तू और भी सुनेगा तो काई खींगा आग जांग उनकी डोकरी रूसर गई तू ये क्यों फेटा की बेइज्जती करवा पे तुल रही है। अरे बामा तो लाडू बांधवा लूंगा आज का आज तू पीसा ले ले क्यों चाहे तेरा हाथ हमसे बंधवा लीजिए पर परमेश्वरी तू रूसर तो मत जाए बिल्कुल अरे यहाँ खा गुस्से पड़े खेलो यहाँ अरे खेलू तू यू बता तो को काई दिक्कत आ रही है मेरी डोकरी सो जो आपको आधा गांव में माजगन जा रही जो आधा गैला में सो गुगदार ले रहा हूँ आपको मैं आज हमको तो काई भी दिक्कत ना तेरी डोकरी कोई दिक्कत है चटोड़ी है कुछ चट पड़ रही है ना खावा भी या तो हमारी डोकरी है ना या घनी चटोकड़ी है या तो लुका लुकार चीजें ना खा पड़ोसी ने सुतगात मुंगा बता अब यह बेइज्जती को काम ना आए के। अरे खेलो तू क्यों मेरी जीजी का ऐब लगावे या खाए इसी जो लुखा लुखार माल खाएगी ना कम से कम माल खा लियो ने मेरे को खायो बेटा देख ये बहू आजकल की किसे से ऐब लगाऊंगी मैं जुआनी में खाती थी इतनी जल्दी गुड़ा पातो की मोकू देख तू मेरी जीजे पर खामा का ऐब तो लगाओ मत नहीं मैं तेरी ने इस खरबूजे से फोड़ दूंगा टाट को ज्यादा बोली तो ऐप पे ना लगा रही मैं तो सही बात कह रही हूँ बुढ़ापा आयो खांसू है आपको तो खूब लाल चिरमोट पड़ी है तो जब भी तो काम करता ही जोर आवे तो तेरी बातन पे विश्वास आ करो जिन्ने मैं आकन सु देख लूंगा ना जब ये मानूंगा या बात ये अब तो ईशा करो तुमने दोनों ने कोई काम की कर रहे हो ना भैया को 5.5 किलो का लाडू बनवाओ मैं तो माटी करा देगी गाँव में रूसर जाएगी जब चार कैन खांसू बांधे मारखी ने खाया गीजे आप लाडू बांधा खुद तो कचु काम का हाथ लगावे ना या ने भैंस करे ने कछु करे या भैया ये चलेगी मेरा बता मो तो खाट में खड़ी हो बाकी बस्ती कौन 2-3 दिन होगा भूखी मरूं एक ने अपना को लियो अगला दीदी तू काई खा ले एक भी काल का।
अरे देख काई घर शर्मा तू खेती हुई। अरे मैं तब सुनू चुपचाप, मैं तुमसे कुछ कहना आ रहे हो तो मतलब थोड़ी है कि भाई गलती हमारी है। कल टोकू याना खुद का आतंक से हलवो बना दियो को दियो याना दिया को दिया टोकू। हाँ अब आई ना तो मैं अब तो देख लो अलग सू किस भी सौ डलवाई याने। अरे दोखनी तू इसी है कि जो हलवा खा रही है केड़ा तो हमको भी नसीब ना है। तू केड़ा खा रही है जब भी नुकह है मैं गोदान में ताकत ना रही। केड़ा खा रही है पेड़ और मांग रही है लल्ला रे। अरे भगवान अरे कोई बात ना तो जीजी तू ईशा कर एक दो मेहनत तेरे घर कान के माँ मान के बजा रही है। देखा तू तेरी बोझा के कितने एक समावे जा डॉक्टरी हमका डांट रहा तो वो तू जा मेरा मामा के डटा तो चार महीने।